पाकिस्तान में महंगाई की लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को कई बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भी नाकाम नज़र आ रही है। इस माह रमज़ान होने की वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले दिनों दूध 190 रुपये लीटर बिक रहा था, अब सेब और संतरे के भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सेब 400 रुपये किलो, संतरे 360 रुपये के हो गए हैं, वहीं केले 150 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। अगर नॉनवेज की बात करें तो मटन की कीमत पाकिस्तान में 1100 रुपये है। रमज़ान के महीने में इन चीज़ों का महंगा बिकना लोगों की बड़ी परेशानी बढ़ गया है। मार्च के मुकाबले मई में प्याज 40%, टमाटर 19% और मूंग की दाल 13% ज़्यादा कीमत पर बिक रही है। गुड़, शक्कर, फलियां, मछली, मसाले, घी, चावल, आटा, तेल, चाय, गेहूं की कीमतें 10% तक बढ़ गई है। पाक की जनता में इस महंगाई को लेकर काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर इमरान की सरकार के खिलाफ काफ़ी विरोध कर रहे हैं। बाजार पर रिसर्च करने वाली स्थानीय संस्थाओं के मुताबिक ऑटो, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योग के कच्चे माल के आयात की कीमतें बढ़ेंगी, इससे उपभोक्ता पर भार पड़ेगा। एक रिसर्च सेंटर का कहना है कि अब इस स्थिति पर रोक लगनी चाहिए। महंगाई के चलते व्यापारियों का भी बाजार पर से विश्वास उठता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपया मई में 29% कमज़ोर हुआ। ये एशिया की 13 अहम मुद्राओं में सबसे कमज़ोर मुद्रा बन गई है। एक डॉलर का मूल्य करीब 150 पाकिस्तानी रुपये हो गया है, जबकि 70 भारतीय रुपये एक डॉलर के बराबर है। डॉलर के मुकाबले नेपाली 112 रुपये, बांग्लादेश टका 84 और अफगानिस्तानी मुद्रा 79 होते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.